हाँ जी बेटा, हम एक्सरसाइज जो है 9.1 कर रहे थे। क्वेश्चंस जो थे मेरे क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन जो था बेटा, सिक्स्थ क्वेश्चन डिस्कस हो गया था। हाँ जी दीक्षित हरसिमर, लास्ट क्वेश्चन जो है कहाँ तक मैम ने डिस्कस कर दिया था? हरसिमरन, यस दिव्यांश बताइए बेटा। मैम 13 क्वेश्चन तक करवा दी हूँ मैम। उससे पहले आपने 6 ओके 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 ओके। हाँ जी बेटा, हाँ जी। अब बेटा आई विल स्टार्ट विद नाउ क्वेश्चन नंबर 7 जो है। क्वेश्चन नंबर 7 वी आर डूइंग। दिव्यांश म्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी बेटा, अब मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर 7। आई एम डूइंग फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज 9.2 दैट वी हैव ऑलरेडी डूइंग। फ्रॉम अ पॉइंट बेटा ऑन द ग्राउंड, दे हैव मेंशन अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब बेटा देखिए, इस ग्राउंड में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। दो चीजों की बात की गई है, एक टावर की और एक बिल्डिंग की। हमने जो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का देखना है, ट्रांसमिशन टावर का देखना है, उसका जो है कहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है बेटा, उसके टॉप का और बॉटम का कहाँ से देखना है? टॉप ऑफ बिल्डिंग जो कि 20 मीटर हाई है। ध्यान से देखिए, वर्डिंग पढ़िए दोबारा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, मैंने एक टॉप का देखना है एंड मैंने किसका देखना है? मेरे पास जो है ऑफ अ बॉटम एंड अ टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए 20 मीटर, सॉरी बेटा, 20 मीटर हाई बिल्डिंग। जो टावर है वो किसके ऊपर है? एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, इसके टॉप और बॉटम का यहां से बेटा हमने क्या देखना है? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ऑब्वियस है, एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है तो बेटा हम नीचे होंगे, ऑब्जेक्ट ऊपर होगा। तो देखो ऊपर ही है ना, क्लियर हो गया? क्लियरली मेंशन वहां पर कर रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड। वो पॉइंट हमारा डिलीट हो गया था, इसीलिए मैंने बिल्डिंग गलती से यहाँ बना दी थी। उसने कहा एक ग्राउंड पे पॉइंट से मैंने एक टावर का टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है, लेकिन जो टावर है वो किसके ऊपर है? 20 मीटर टॉप जो है, 20 मीटर टॉल बिल्डिंग के ऊपर टावर है, दिस इज बिल्डिंग। ओके बेटा, तो मेरे पास ये 90 और एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा मेरे पास कितने दिए हुए हैं? देखो, एक दिया 45 डिग्री, एक दिया 60 डिग्री। तो 45 डिग्री ये है बेटा, ऑब्वियस है 60 डिग्री मेरे पास ये होगा पूरा। और वैसे भी आप क्लियर कट देखिए, पहले बॉटम की बात की गई है फिर टॉप की। ये टावर का बॉटम है, ये टावर का टॉप है, तो बॉटम वाला एंगल जो है वो 45 डिग्री। ओके बेटा, तो ये मेरे पास ए बी सी दिस इज डी, फिगर प्रॉपर करेक्ट होनी चाहिए। तो अब बेटा कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले यहाँ जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, दो ट्रायंगल्स बन रही हैं बेटा। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस थिंग, ट्रायंगल हमेशा वो लेनी है एक जिसमें 90 डिग्री जरूर हो और एक एंगल जरूर हो। यानी एक ट्रायंगल बन रही है बी सी डी,
दूसरी, आप ये ट्रायंगल कभी नहीं ले सकते, ए बी डी ये कभी नहीं ले सकते, इतनी ट्रायंगल, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए, तो ए बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है बेटा, ठीक है। तो जो ट्रायंगल दो बन रही है वो एक बन रही है बी डी और दूसरी ट्रायंगल बन रही है ए सी डी। अगर दो एंगल्स है ना तो दो ट्रायंगल यूज होंगी होंगी बेटा, ये याद रख, ओके। तो अब मैं स्टेटमेंट कंप्लीट करती हूँ, उसने क्या कैलकुलेट करने को कहा है। मेरे पास हो गए रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टार, हमें टार की हाइट कैलकुलेट करनी है, मतलब सिर्फ इतना इतना, लेट दिस बी एच। अब सबसे ऊपर आप लिखोगे लेट एच दैट इज इक्वल टू ए बी बी द हाइट ऑफ टावर, ये जरूर मेंशन करना। अब दो पार्ट्स में मैंने अपनी जो है बोर्ड को डिवाइड कर दी। अब हमने देखना है मेरे पास बेटा अगर ये क्वांटिटी सॉरी ये ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल है तो बेटा इसमें ये दिया है, अब मुझे ये पता ही नहीं मैं दूसरा क्या निकालूं, मैं ये कैलकुलेट करूं कि ये कैलकुलेट करूं, तभी टी रेशियो फाइंड आउट करूंगी। मुझे क्लियर कट पता है कि अगर मुझे हाइट चाहिए यहाँ की, मैं पूरी ट्रायंगल लूंगी तो बेटा यही ऐसा पार्ट है सी डी जो छोटी ट्रायंगल में भी आ रहा है बड़ी ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो 100% व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल बी सी डी, मुझे बी सी दिया और मैं छोटी ट्रायंगल से सी डी इवैल्यूएट करूंगी, मैं इसको भी एक्स मीटर ले लेती हूँ, आप इसको भी ऊपर मेंशन करोगे एंड मैं साइड पे लिख रही हूँ एंड सी डी इज इक्वल टू एक्स मीटर, इसको भी हमने लेट कर लेट की हुई क्वांटिटी ऊपर भी लिखनी है फिगर में भी लिखनी, ओके बेटा। अब मेरे पास हो गए यहां पर आप लोगे मुझे बी सी दिया है, सी डी कैलकुलेट करना है, दिस इज परपेंडिकुलर दिस इज बेस, पी बाय बी टैन होता है, तो बेटा व्हाट आई हैव टू डू हियर जो है बी सी बाय सी डी दैट इज टैन थीटा। अब थीटा छोटी ट्रायंगल वाला लेना है, 60 नहीं लेना क्योंकि बी सी डी में आ ही नहीं रहा, तो आप यहाँ 45 लिखोगे, आपको पता है टैन 45 डिग्री 1 होता है, बी सी 20 है और ये एक्स है, तो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर। मार्क दिस इक्वेशन फर्स्ट, अब इसको हम आगे यूज करेंगे। अब आ जाओ बड़ी ट्रायंगल ए सी डी, मुझे ए सी कैलकुलेट करना है, बेसिकली मुझे ए बी कैलकुलेट करना है, पर बड़ी ट्रायंगल में एसी आ रहा है तो कोई बात नहीं है तो परपेंडिकुलर, और बीसी मैंने जो है सीडी मैंने इवैल्यूएट कर लिया पहली ट्रायंगल से, तो है तो परपेंडिकुलर और बेस ही, तो हम कॉन्सेप्ट वही लेंगे इन ट्रायंगल एसीडी मेरे पास, अब यहाँ पर एसी बाय सीडी दैट इज टैन थीटा दैट इज 60 डिग्री, तो मेरे पास जो है बेटा एसी, अब यहां पर ध्यान से बेटा AC कितना है AB plus BC यानी H plus 20 लिखोगे, तो what you have to write 20 plus H over CD आपने कैलकुलेट किया कितना 20 और tan 60, tan 60 कितनी वाली होती है रूट 3 बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 20 plus H is 20 रूट 3 और मेरे पास h कितना आ गया 20 root 3 minus 20 take 20 common root 3 minus 1 meter। आप यहां पर भी छोड़ सकते हो अगर MCQ type question है तो बेटा आपको पूरा वैल्यू कैलकुलेट करनी भी आनी चाहिए, अगर root 3 की वैल्यू दी है तो आप पूरा डेसिमल तक निकालोगे, तो root 3 की वैल्यू 1.732 minus 1 तो ये 20 into 0.732 मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर कंप्लीट आंसर। एनी डाउट टू एनी वन, फिगर समझ आई अब बनानी, जो डाउट हो रहा था स्टार्टिंग में बच्चों को अब क्लियर हो रहा है, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम एनी वन, इज इट क्लियर टू एवरी वन, ओके चलिए बेटा
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ती है पहले, तब तक आप नोट कीजिए, मैं रीड करती हूँ स्टेटमेंट और फिगर बनाते हैं हम लोग। मैं बिल्कुल आपके लेवल तक सोच के फिगर बनाती हूँ कि आप कैसे सोचते, इसीलिए स्टार्टिंग में भी पहले मैंने वैसे ही करके आपको दिखाया था पिछले क्वेश्चन में। लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन ए टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब एक खंबा सा, एक पाथ, कुछ भी आप कह सकते हो। उसने कहा कि एक पेडेस्टल है, इस पे एक स्टैचू खड़ा ऊपर, और स्टैचू की मेरे पास लेंथ दी हुई है 1.6 मीटर। पिछले क्वेश्चन में हमें नीचे 20 दिया था, अब ऊपर 1.6 मीटर दे दिया। अब इन्होंने क्या कहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फिर मुझे एक ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल मैंने शो कर दिया, यहां से एक पॉइंट लिया, ठीक है। अब उन्होंने कहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। अब बेटा अगर ये स्टैचू है तो इसका टॉप ही है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देख रही हूं, और एंगल ग्राउंड के साथ बनेगा, दैट इज 60 डिग्री। यहां तक फिगर बन गई हमारी। अब आगे वो क्या कह रहे हैं हमारे पास, जो है इन द नेक्स्ट लाइन व्हाट ही इज मेंशनिंग, फ्रॉम द सेम पॉइंट मींस यहीं से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल तो बेटा ये है, तो इसका टॉप ये है, सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है, तो बेटा उन्होंने कहा है दैट इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अब मुझे ये कैलकुलेट करना, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन इज देयर, सिर्फ डिफरेंस क्या है, पिछले क्वेश्चन में हमने ये कैलकुलेट किया था, है ना, और यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना, सेम क्वेश्चन ही है। मार्क दिस ए बी सी डी, और तो कुछ नहीं है। अब कोई मुझे बता सकता है कौन सी दो ट्रायंगल्स यूज करेंगे, हरी रेज योर हैंड एंड टेल मी विच टू ट्रायंगल्स वी कैन यूज। मुझे हर बच्चे का हैंड रेज चाहिए, अदरवाइज आई कैन आस्क एनी स्टूडेंट। मेरे को वही पुराने बच्चे जो एक दो, नो नॉट एट ऑल। हाँ जी रायना, यस बेटा, हाँ जी रायना, रायना बेटा प्लीज स्पीक। ओके महक, महक अनम्यूट योर सेल्फ, हरी अप। मैम ट्रायंगल एसीडी और बीसीडी। वेरी गुड, एसीडी एंड बीसीडी वी कैन यूज, वेरी गुड महक बेटा, क्योंकि हम ए बी डी कभी नहीं ले सकते बिकॉज दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके जी, तो सबसे पहले तो लेट जो करनी है, दो चीजें आपको पता है, you can write let h be the height, okay, आप पूरा लिखोगे height of pedestal and cd is equals to x meter, mention, okay beta, after then we can please lower your hand if you want to answer। जैसे ही बाकी बच्चे आंसर दे देते हैं बेटा प्लीज लोअर हैंड कर दिया करो, नहीं तो लगता है कोई प्रॉब्लम है। ओके चलिए बेटा, तो अब मेरे पास हो गए, यहाँ पर क्या मेंशन है, यहाँ पर बेटा हमने ट्रायंगल्स मेंशन करनी है, इन ट्रायंगल बी सी डी। ओके सेम मेरे पास जो है, यस दक्ष व्हाट इज द प्रॉब्लम, हाँ जी दक्ष, नाउ वेट अप, सेम परपेंडिकुलर हमने कैलकुलेट करना है। यहां पर बेटा घबराना नहीं कि ना मुझे ये पता है ना मुझे ये पता है, रिलेशन तो फाइंड आउट हो जाएगा ना दो अननोन क्वांटिटीज में, कोई बात नहीं। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, एक्स बाय एक्स, प्लीज मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आप साइड पे बार बार ऐसे जरूर लिखोगे टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, इट इज नेसेसरी टू राइट। ओके अब बेटा मेरे पास यहाँ पर एच बाई एक्स टेन 45 वन होता है, एच इज इक्वल टू एक्स, मार्क दिस इक्वेशन वन, क्योंकि इसको यूज करेंगे। अब इन ट्रायंगल ए सी डी देखिए,
अब आपको पता है पूरा यहां से लेकर ये हाइट आएगी, बेस वही एक्सिस है, तो आपके पास क्या होगा, दैट इज 1.6 प्लस एच बेटा, परपेंडिकुलर पूरा ए टू सी, और बेस दैट इज सी डी दैट इज एक्स, और टैन क्या बनेगा बेटा 60 डिग्री। ओके, तो अब बेटा मेरे पास क्या करना है, मैंने कैलकुलेट क्या करना है, एच कैलकुलेट करना है, मुझे एक्स नहीं ना चाहिए, तो मैं क्या करूं, जहां पर एक्स है उसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर दूं, एच कर दूं यूजिंग इक्वेशन वन। तो मेरे पास तो है बेटा यहां पर क्या बन जाएगा, आप लिखिए यूजिंग 1.6 प्लस एच ओवर एच दैट इज रूट 3 बाय 1 लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 1.6 प्लस एच, एच रूट 3, एच वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं और दूसरे को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो बेटा मेरे पास क्या बना 1.6 एच रूट 3 माइनस एच, 1.6 एच कॉमन ले लेते हैं रूट 3 माइनस 1। ओके जी, नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, नेक्स्ट स्टेप में उसको ट्रांसपोज करते हैं डिनोमिनेटर में, तो जब हम ट्रांसपोज करेंगे बेटा डिनोमिनेटर में तो मेरे पास क्या बन जाएगा, h इज इक्वल टू 1.6 बाय रूट 3 माइनस 1 इनटू रूट 3 प्लस 1 ओवर रूट 3 प्लस 1, 1.6 रूट 3 प्लस 1 a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2, तो ये क्या बन गया 0.8 रूट 3 प्लस 1 मीटर। देयरफॉर द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 रूट 3 प्लस 1। ओके बेटा, क्लियर हसीता, इज इट क्लियर टू यू, चले बेटा आगे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास जो है, हमने एट्थ क्वेश्चन कर लिया, लेट अस डू नाउ द क्वेश्चन नंबर 9th, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9th आई एम डूइंग फॉर यू नाउ। The angle of elevation, question number 9th, the angle of elevation of the top of the building, देखिए ध्यान से फिर स्टेटमेंट को पढ़िए, the angle of elevation of the top of a building, मुझे बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का देखना है, कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री, ये बिल्डिंग है, कोई टावर भी हो सकता है, अच्छा टावर बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, डजंट मैटर, हमें कुछ नहीं कहा, हमें उसने सिंपल कहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, अभी मुझे नहीं पता, मैंने जस्ट टावर छोटा बना दैट इज, वैसे टावर नॉर्मली बड़े होते हैं बिल्डिंग से, कोई बड़ी बात नहीं, आप बड़ा भी बना लोगे, हम कोई गलत नहीं कर सकते, हमने तो एंगल देखना है कि यहाँ पर 30 डिग्री है, एंड The angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building, ये लीजिए, ये मेरे पास दिया हुआ है 60 डिग्री। If the tower is, मेरे पास ये टावर था 50 मीटर हाई, that is given to me, find the height of the building, देखिए अब बिल्कुल सेम हुई, यहाँ तो क्लियर कट, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, मींस व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द दिस ट्रायंगल ना, मुझे ये 60 कोई लेना देना नहीं, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल, तो तब मेरा 30 का कोई लेना देना नहीं, वो ट्रायंगल एक के ऊपर एक मर्ज कर रही है, आपका बेस दोनों में सेम है, यानी क्योंकि आपके पास ए बी सी डी ट्रायंगल है, अगर मैं इस ट्रायंगल से बीसी निकाल लूं और दूसरी ट्रायंगल में बीसी को यूज कर लूं तो अपने आप मेरी ये हाइट आ जाएगी बिल्डिंग, ये आपने देखना है कि कौन सी ट्रायंगल, ये कोई इसमें सीक्वेंस सेट नहीं है, अच्छा अगर कोई बच्चा पहले एबीसी ट्रायंगल लेके उसका रिलेशन वहां पर रुक जाएगा, दूसरा बच्चा डीसीबी ट्रायंगल पहले लेके
वो निकाल लेगा और बाद में पुट कर देगा सीधा सीधा, कोई बच्चा वहां इक्वेशन वन मार्क करके उसको बाद में यूज कर लेगा, इट्स नॉट ए बिग डील। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं, आप लोग भी स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले हमने बिल्डिंग की हाइट को इवैल्यूएट करना है, तो हम उसको एच लेने बेटा, तो एच करना है तो लेट इट बी एच मीटर, क्योंकि बेस की भी बात होनी है तो लेट इट बी एक्स मीटर। ओके, तो व्हाट यू हैव टू राइट हियर, लेट ए बी इज इक्वल टू एच मीटर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंड बी सी इज एक्स मीटर, यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो। अब सबसे पहले इन ट्रायंगल डी सी बी, मैं बार बार कह रही हूं, आप पहले भी ट्रायंगल ले लोगे उसमें मार्क करना पड़ेगा इक्वेशन वन और यूज करना पड़ेगा, डजंट मैटर, कोई इसमें रट्टा लगाने वाली बात नहीं। तो सबसे पहले ये परपेंडिकुलर दिया है, बेस कैलकुलेट करना है, बी और एच किसमें रिलेशन होता है, टैन में होता है, तो बेटा क्लियर कट जो है आप लिखोगे 50/x टैन। यहाँ जो बच्चे गलती करते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, जब ये ट्रायंगल ले रही हूँ इस लाइन की कोई बीच में इंपॉर्टेंस नहीं, एंगल तो 60 बन रहा है ना, तो आप यहाँ टैन 60 डिग्री लिखोगे। ओके जी, 50/x टैन 60 रूट 3 होता है बेटा, तो एक्स की वैल्यू 50/√3 मीटर, लेट इट बी एज इट इज, मुझे दोनों के बीच में डिस्टेंस को नहीं कैलकुलेट करने को का कहा होता तो मैं रूट 3 से रैशनलाइज करती, बाद में एक ही बार कर देंगे। तो अब लेट कंसीडर द अदर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक चीज याद रखा को, व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल ना, ऑलवेज राइट द मिडल वर्टेक्स जो है जहां पर 90 डिग्री एंगल है, बी पे 90 है ना, देखो यहाँ सी पे 90 था, तो मैं हमेशा मिडल वर्टेक्स ट्रायंगल का नेमिंग करते हुए वही लिखती हूँ जहां पर 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए एच, क्योंकि ए बी ओवर एक्स टैन 30 डिग्री, एच मुझे कैलकुलेट करना है, एक्स की वैल्यू 50/√3 और इसकी क्या होती है 1/√3, इसको उधर ट्रांसपोज कर दूं। देखो मैंने इसीलिए कोई कैलकुलेशंस नहीं की, मुझे पता था कि बाद में ये एच ओवर 50/3 हो जाना, कटिंग कर दीजिए एंड यू विल गेट हाइट इतने मीटर, देयरफॉर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछा था ना, दैट इज इक्वल टू एच एंड दैट इज इट। जो चीज हमें नहीं चाहिए, एक्स नहीं चाहिए, मैंने उसको खत्म किया, रिड्यूस किया बाय यूजिंग द फर्स्ट ट्रायंगल। अगर कोई बच्चा पहले ये कैलकुलेट कर लेता, उसके पास एक्स नहीं होती, तो वो इस इक्वेशन को इक्वेशन वन मार्क कर देता, फिर ये स्टेप करता और कहता पुटिंग एक्स इन इक्वेशन वन, डजंट मैटर आप पहले ये वनी ट्रायंगल ले लो या ये ले लो, आंसर दोनों से कैलकुलेट हो जाए। ओके बेटा, क्लियर। नाउ 10th क्वेश्चन, मैम ने ऑलरेडी आपको करवा दिया 10th 11th 12th है ना, तो लेट अस डू द 13th क्वेश्चन। 13th मैम ने करवाया था बेटा कि नहीं, हरियप तो नाउ लेट अस डू विद द क्वेश्चन नंबर 14th बेटा, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, आप देखोगे रियलिटी ऑफ लाइफ में ऐसा कॉन्सेप्ट, जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना आप देखो रियलिटी में ये एग्जिस्ट करते हैं, हम ऐसे हाइट कैलकुलेट करते हैं कि कितनी हाइट होनी चाहिए, या किसी गुरुद्वारे में मंदिर में हमने फ्लैग स्टाफ लगाना होता है या पेडेस्टल, तो हम ऐसे देखते हैं कि अगर इस एंगल में देखे तो कितनी हाइट होनी चाहिए, कितने डिस्टेंस की होना चाहिए। तो सेम रियलिटी ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14th मेरे पास बेटा यहाँ पर है। अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल जो है स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब एक 1.2 मीटर छोटा सा बच्चा है, गर्ल है, एक बैलून ना ऐसे हॉरिजॉन्टली चल रहा है, मतलब ये बैलून यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, वो गर्ल ना उस बैलून को देखी जा रही है, एक छोटा बच्चा जब बैलून ऊपर आए ना
जो गैस से भरा होता है तो वो उसको देखता रहता है कि कहाँ जा रहा है, कितनी दूर जा रहा है, तो वो उसको देख रहा है. विच इज एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. अब देखो ग्राउंड लेवल ये है, ये जो बैलून का हाइट है ना वो क्लियर कट 88.2 मीटर मुझे दिया हुआ. अब उसने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ ए गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री. किसी एक पर्टिकुलर, पहले मान लीजिए यहां पर देखा गर्ल यहां थी, अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन देखना. एलिवेशन मैंने आपको हमेशा बताया था हॉरिजॉन्टल पोजीशन के साथ होता है, तो ये एंगल 60 बनेगा बेटा, ऐसे कभी 60 नहीं बन सकता. दिस इज नॉट ए करेक्ट, हमेशा एंगल एक रे के साथ एक हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ बनता है. तो हॉरिजॉन्टल लेवल यहां तक था तो इतना, क्योंकि जहां हमारी आई साइड होती है ना वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन आनी चाहिए. अगर गर्ल यहां से देख रही है तो ये ग्राउंड लेवल कंसिडर होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसिडर होगा. इफ आई एम वॉचिंग द स्क्रीन कि मेरे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं देख रहे, तो मेरा लेवल जो है वो ये है, ये बिल्कुल ये. ओके बेटा, तो दैट्स व्हाई ये एंगल 60 डिग्री हुआ. अब आगे वो क्या बात कर रहा है, लेट अस सी कि उसने क्या कहा. हाँ जी, तो उसने कहा आफ्टर सम टाइम. अब बेटा यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूं मैं. उसने कहा आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री. अब बेटा एक चीज जितनी दूर जाई जा रही है ना आपसे उतना एंगल रिड्यूस होता है, जितनी पास आती है उतना एंगल बढ़ता है. तो यहां से मुझे ये पता चला आने को बैलून इधर भी आ सकता था, बैलून इधर भी जा सकता था ना. मैंने पहले ही अगली पोजीशन बैलून की यहाँ क्यों बनाई, क्योंकि मुझे पता है यहाँ एंगल रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस होने के लिए वो बैलून इस गर्ल से दूर की डायरेक्शन में जाएगा, पास की डायरेक्शन में नहीं आएगा. बात समझ आई सबको, क्लियर हुआ बेटा? तो यहां पर एंगल 30 डिग्री दे दिया. जरूरी नहीं है कि ये जो फिगर दी हुई है पेपर में वो आपको साथ ही आए, आपको बनानी खुद आनी चाहिए. अब इन्होंने क्या कहा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, कि जिस इंटरवल में ये बैलून ट्रेवल हुआ यहां से यहां गया ये डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना. आई नीड टू कैलकुलेट दिस. सबसे बड़ी बात, अगर ये 1.2 है तो ये भी 1.2 मीटर होगा, बट यहां से यहां तक, क्योंकि मेरा जो ग्राउंड लेवल है ना बेटा वो ये कंसिडर हो रहा है, तो मुझे नीचे वाली फिगर का कुछ लेना देना नहीं. मेरी जो ट्रायंगल्स बन रही हैं वो एक ये ट्रायंगल बन रही है जिसमें 90 एंगल आ रहा है और ये 30 आ रहा है, दूसरी ट्रायंगल मेरी ये बन रही है जिसमें ये 90 और ये 60 डिग्री एंगल आ रहा है. देखिए दीज आर माई टू ट्रायंगल्स, मेरा और किसी से लेना देना नहीं है, तो मुझे इसी में सब कुछ एडजस्ट करें. सबसे बड़ी बात है अगर ये पूरी 88.2 है, ये 1.2 है, तो आई कैन कैलकुलेट अप टू दिस लेवल. ये मेरे पास 88.2 माइनस 1.2 87 मीटर हो गया, क्योंकि मैंने ये देखना है कि मेरे पास क्या चीज है और मुझे क्या कैलकुलेट करना है. अगर ये 87 है तो बेटा ये भी 87 है, क्योंकि उसने क्लियर कट कहा कि वो सेम हाइट पे चल रहा है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चल रहा है. ऐसे हॉरिजॉन्टली जाना मतलब हाइट विल रिमेन सेम बेटा. ओके, अब क्लियर कट इस ट्रायंगल में मुझे ये दिया है, मैं ये कैलकुलेट कर दू. बड़ी ट्रायंगल में मुझे ये दिया है, मैं ये पूरा कैलकुलेट कर लूंगी, उसमें से ये माइनस कर दूंगी तो ये डिस्टेंस अपने आप आ जाएगा. यही कैलकुलेट करना मुझे, ठीक है?
मैं करूंगी तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी. मार्क इट ए बी सी डी ई एफ जी एच. इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई लेट कर लेते हैं. सबसे पहले तो लेट करने वाला, लेट बी सी एक्स मीटर, सी डी वाई मीटर. ओके जी. अब बेटा जो चीज मैंने यहां पर कैलकुलेट करके दिखाई थी, यहां पर भी दिखानी होती, तो आप कहोगे क्लियरली एक तो बी एच इज इक्वल टू डी एफ, ये 1.2 मीटर है, दोनों बराबर होंगे. हाइट ऑफ द गर्ल चाहे वो यहां खड़ी है या इधर आ जाए, ये तो सेम ही रहनी है. एंड जो मेरे पास ई डी है, ये मैंने कैलकुलेट करना था, दैट इज ई एफ माइनस डी एफ. ई एफ मेरे पास पूरा 88.2 और डी एफ मेरे पास जो है वो 1.2 जो है मीटर है, तो दैट मीन्स ये 87 मीटर आ हो गया ना बेटा. अब क्वेश्चन में आते हैं. हमने ये भी अच्छा लिख रहे हैं क्योंकि ये यूज होनी है. एंड क्लियरली ई डी इज इक्वल टू ए सी, दैट इज 87 मीटर. ये दोनों बराबर होंगे, जितनी ये साइड है उतनी ये. थोड़ी सी फिगर मेरे से टिल्टेड बनी है, आप स्केल से बनाओगे तो आपकी बिल्कुल सही आएगी, है ना. तो अब आगे क्या करेंगे बेटा, देखिए यहाँ पर ट्रायंगल चूज करें. मेरे पास इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी ओवर बी सी 87, वो भी लिख दें. ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, टैन. एंगल क्या आएगा, 60 डिग्री बेटा. 87 बाय एक्स रूट थ्री, एक्स की वैल्यू 87 बाय रूट थ्री मीटर. यूनिट जरूर लिखा करो, मार्क दिस इक्वेशन फर्स्ट, आगे यूज होनी. यहां तक सबको पता चल गया बेटा, कोई डाउट तो नहीं ना. चलिए आगे देखिए, कंप्लीट करके क्वेश्चन मैं लीव करूंगी बेटा. आगे है 10 मिनट्स की ब्रेक आपके पास, ठीक है. तो नेक्स्ट मेरे पास इन ट्रायंगल, अब ई एफ एच मेरे पास, ई एफ जो है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ई डी और बी, ई डी बी. हाँ जी, तो अब मेरे पास ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये पूरा क्या है, बेस. तो आप लिखो ई डी ओवर डी बी टैन 30 डिग्री. ED तो मुझे पता है 87. अब ये DB कितनी है, बता सकता है कोई बच्चा? हरी अप, anybody from you who is able to tell me how much BD is? किसी को नहीं पता? Okay, कार्तिके, yes बेटा. Y minus X. हाँ जी, कितना? Sorry बेटा. Y minus X. नो नो नो, माइनस कहाँ बात हो रही है बेटा. मैंने वाई को इतना लिया, एक्स को इतना लिया, माइनस की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए. कार्तिक ध्यान से देखिए, आपके सामने क्लियर कट मैंने एक एक्स और वाई लिया हुआ है. यस महक बेटा, मैम एक्स प्लस वाई. यस वेरी गुड, दिस इज एक्स प्लस वाई. और टेन 30 की वैल्यू 1 by root 3 cross multiply कीजिए, root 3 87 x plus y, x की value put कीजिए यहाँ पर क्योंकि मुझे y calculate करना है. When you use 87 by root 3 plus y, आप लिखोगे using equation 1. Okay बेटा, transpose कीजिए इसको इधर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए that is y is equals to 87 root 3 प्लस 87 रूट 3. आपकी मर्जी, आपने यहाँ रैशनलाइज करना है कर दीजिए. आप 87 कॉमन लेके रूट 3 प्लस 1 रूट 3 यहाँ पर भी सॉल्विंग कर सकते हो बेटा. कैसे, रूट 3 कॉमन ले लीजिए, सॉरी एलसीएम ले लीजिए, तो आपके पास 3 प्लस 1 और रूट 3 के साथ ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर. ओके यस दक्ष,
यस दक्ष बेटा, ओके बात क्लियर हुई सबको बेटा? हाँ जी लक्ष्य, यस बेटा, यस लक्ष्य बेटा। मैम वहां पर y is equal to 87 root 3 minus 87 over root 3 आएगा। ट्रांसपोज किया मैंने, यस यस ऑब्वियस है बेटा, यस 100% माइनस आएगा बेटा, ऑब्वियस है, हमने ट्रांसपोज किया है तो माइनस ही आएगा, वो करेक्ट कर सकते हो आप। गुड लक्ष्य, यहां से पता चलता है कि आप अटेंटिव हो। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं बेटा यहां तक? चले आगे बेटा, ठीक है। अब कल जो है रिमेनिंग टू क्वेश्चंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल ट्राई टू डू दैट, कंप्लीट योर कॉपीज एंड सेंड इट डे आफ्टर टुमारो, कंप्लीट योर कॉपीज ऑफ दिस चैप्टर एंड सेंड इट डे आफ्टर टुमारो, only within 2 days I have to check these copies, after then I will not accept any copy of this chapter. Okay?